जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मार्क्स बनाने का तरीका सिखाएंगे, किस तरीके से हम जो मार्क्स बना सकते हैं। उसके लिए जहाँ से हम जो चेन लेंगे, अब हमने जहाँ से जो चेन ली और जहाँ से हम स्टिच लेंगे, इसी तरह अब हम जहाँ से जो स्टिच लेते रहेंगे, अब हम जहाँ से जो स्टिच बढ़ाते आएंगे, जहाँ से हम एक साइड से बढ़ाएंगे, जहाँ से हम टू स्टिच लेंगे, अब हम एक साइड से बढ़ाते आएंगे, इस साइड से हमने जो बढ़ाया है स्टिच, और जहाँ से हम बढ़ाएंगे नहीं, अब यहाँ से जो स्टिच काम करते आएंगे, अब हम यहाँ से बढ़ाएंगे नहीं, अब हम यहाँ से स्टिच लेंगे, और यहाँ से हम स्टिच कम करेंगे, इसके सेंटर तक जहाँ तक हमने जो स्टिच बढ़ाए थे, फिर हमने स्टिच कम किए। अब हम इस तरीके से जो देखेंगे, देखने के बाद अब हम जहाँ से जो स्टिच जो है वो काम नहीं करेंगे, जितनी इसकी जो लेंथ है हम इसकी लेंथ भी इसके एक बार रखेंगे। अब हम जहाँ से स्टिच लेंगे, अब हम यहाँ से ये डोरी बनाएंगे, जहाँ पे कंप्लीट करने के बाद
ये चाहे तो आप इसी वोल की डोरी भी बना सकते हैं, जहाँ प्लास्टिक वगैरह भी जहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम जहाँ से जो डोरी बनाएंगे उसके लिए हम जो चेन लेंगे, अब हम इसे जहाँ से लॉक करेंगे अब हमने इसकी जो डोरी बनाई, बनाने के बाद जहाँ से हमने इसको लॉक करेंगे अब हम जहाँ से डोरी बनाएंगे उसके लिए भी हम जहाँ से 13 की चेन लेंगे अब ये जो गुलाई वाला हिस्सा है, जैसे हम जहाँ पे जो नोज वाला हिस्सा है और यहाँ पे हमने ये जो जहाँ से हमने चेन ली है, चाहे तो आप जहाँ से डबल वोल की भी चेन बना सकते हैं। और ये जो हमने वो इसके लिए जो वोल वो यूज़ किया मार्क्स के लिए, चाहे तो आप स्ट्रैपर जैंकर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।